सागो पुडिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध, 200 ग्राम चीनी, 50 ग्राम मक्खन, 75 ग्राम नारियल का पाउडर, 100 ग्राम साबुदाना, 10 ग्राम जेलेटिन, 500 ग्राम फिटी क्रीम, 30 ग्राम स्ट्रॉबेरी प्यूरी। हमने दूध में चीनी मिलाया, इसको चीनी पहले से मिली है तो इसको गर्म करना है। ओके। इसमें सागो भी डाल सकते हैं हम एज पर मेजरमेंट जो हमारी रेसिपी है। और ये जो आपने सागो या साबुदाना डाला है इसे भिगोया हुआ है? जी भिगोया हुआ है, पूरी रात भिगोना पड़ेगा तो इट विल बिकम मतलब वाइटिश हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। जी बिल्कुल, इसमें बटर भी रेसिपी के हिसाब से। ओके, एंड दिस इज बटर विदाउट सॉल्ट। जी, एंड कोकोनट। यू कैन सी इसमें वो बॉडी आ गई है जी, थिकनेस आ गई है, आप स्पून के पीछे देख सकते हैं कोट कर रहा है। जी, इस टाइम पे आप हटा देने इसको। ओके, सो द कुकिंग इज डन। जी, कुकिंग इज डन। अब इसको हटाने के बाद ये जेलेटिन मिलाएंगे हम इसमें। जी, इसको अच्छी तरह जो है, ये भी पाउडर या शीट फॉर्म में मिलता है जैसे पानी गर्म पानी में आप थोड़ी पहले देर तो आप उसको जी इसको ब्लूम करते हैं। ब्लूम मतलब उसको पानी में जब डालते हैं तो अपने आप वो थोड़ा निखर आता है। एंड देन उसको हल्के से हीट डाल सकते हैं कुछ और अपने आप वो पिघल जाता है उसमें। ओके, तो जेलेटिन जो है वो एक सेटिंग एजेंट है, अगर कोई इसे ना यूज करना चाहे जेलेटिन? ना यूज करना चाहे देयर नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बट ये थोड़ा लूज रहेगा। या तो आप अपना सागो ज्यादा इंक्रीज कर दीजिए। ओके, तो उसमें भी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, आई नो जेलेटिन बीइंग प्रॉब्ली अ नॉन वेज प्रोडक्ट पीपल ट्राई टू अवॉइड करते हैं। जी, इसमें हम बोल में डाल देंगे और हमें क्या करना है कि इसको वी हैव टू इसका टेम्परेचर नीचे लाना है। ओके, इसे ठंडा करना है। जी बिल्कुल, तो हमारे पास आइस बाथ है। okay. या तो आप फ्रीजर में डाल सकते हैं जैसे मर्जी। वैसे अगर घर पे आप बना रहे हैं और ज्यादा जल्दी में नहीं है तो आप इसे रूम टेम्परेचर पे ला के आराम से ठंडा कर सकते हैं। सर्दियों में तो रूम टेम्परेचर में नहीं तो ये फ्रीजर। जी बिल्कुल, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें इसे जल्दी बनाना है और आपको दिखाना है कि ये बनने के बाद कैसा लगेगा तो इसे आइस बाथ के ऊपर रखा जा रहा है। तब तक हम अपने ग्लासेस ले आएंगे इसको थोड़ा टेम्परेट करने के लिए, तो वी विल जस्ट कोट दिस विद सम स्ट्रॉबेरी कोली, मतलब प्यूरी। जी, प्यूरी स्ट्रॉबेरी, फ्रेश स्ट्रॉबेरी की प्यूरी से इसको ग्लास को लाइन कर रहे हैं टू गिव इट एक्स्ट्रा कलर। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है तो हम इसमें क्रीम ऐड कर लेंगे अपना। वंस इट इज मिक्स नाइसली, जैसे जैसे ठंडा होएगा वैसे वैसे ये सेट होता जाएगा। अब इसको आप पोर कर सकते हैं। ये 2 ग्लासेस हो गए, अब पोर करने के बाद इसको सेट करना है जी। तो हम फ्रिज में डाल देंगे इसको सेट करने। आई हैव 1 ग्लास जो ऑलरेडी सेट है। ओके, ये सेट करने के बाद ऐसे लगेगा। ऑलराइट, बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है, ऑलमोस्ट लाइक अ पुडिंग। जी, तो अब इसको ऐसे ही सर्व करेंगे नहीं, या इसको इफ वी पुट स्ट्रॉबेरीज, वी हैव स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल, उसकी गार्निश हमने एक स्लाइस किया है स्ट्रॉबेरी। जी, तो उसके ऊपर हम एक गार्निश लगाएंगे। ओके, एंड वी सर्व इट लाइक दिस विद सम फ्रूट, फ्रूट कंपोट जो आपके पास अवेलेबल है। अभी मार्केट में कीवी अवेलेबल है, स्ट्रॉबेरीज है, किसी तो भी चॉप करके आप एक छोटा सा मिनी फ्रूट सैलेड। ग्रेट, ये तो ये साउथ एशियन पुडिंग भी तैयार है एंड इसके इंग्रेडिएंट्स देख के आई एम श्योर आप लोग बहुत खुश होंगे कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स आसानी से आप ही की रसोई में, आप ही की किचन में मिल जाएंगे। इसके रिकैप को आप नोट कर लीजिए अगर आपसे कोई स्टेप मिस हो गया, साथ ही इसके कैलोरी चार्ट पे भी नजर डाल लीजिए सो यू नो हाउ मेनी कैलोरीज ये पुडिंग में है। कोकोनट सागो पुडिंग बनाने के लिए साबुदाना को रात भर पानी में भिगोएं। एक बर्तन में दूध और चीनी मिलाकर गर्म करें, इसमें मक्खन, नारियल का पाउडर और भीगा साबुदाना मिलाकर पकाएं। अब इसमें जेलेटिन मिलाएं और ठंडा करें। ठंडे सागो में फिटी क्रीम मिलाएं, ग्लास में स्ट्रॉबेरी प्यूरी लगाएं और पका सागो डालकर सेट होने के लिए रख दें। इसे ठंडा ठंडा सर्व करें।